असलम एवरीवान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल उम्मीद कर रही हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी डेली रूटीन शेयर करूँगी और मुझे थोड़े से काम वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करने क्योंकि जाविया का बर्थडे ट्वेल्थ को जाविया का बर्थडे है माशाला वो टू ईयर्स का होने वाला है जी आप कुछ चाहिए जी जी मुझे जाविया की बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें वगैरह रेडी करनी थी जैसे जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ जी मेरे पास आना तो मुझे कुछ चीज़ें वगैरह रेडी करनी थी जावेद की बर्थडे के लिए मुझे गुडी बैग्स वगैरह बनाने थे जैसे फेवरेट बैग्स होते हैं <laughs> मैं वो रेडी करूँगी और मैं उसके लिए <laughs> रेसिपीज में सॉरी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाइक की कर रही गंदी बाबा बाबा

तो यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया था अपने लिए मैंने सैंडविच बना लिए थे और ज़ावे के लिए मैंने ब्लूबेरी ओट्स बना लिए और साथ में मैंने उसके लिए मिल्क शेक बना लिया था स्ट्रॉबेरी वाला वो माशाल्लाह बहुत शौक से पी लेता है और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैंने मटन सबसे पहले निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करना होता है मैंने जो रखा होता है तकरीबन एट फिफ्टी ग्राम होगा मटन उसको मैंने निकाल के पानी में थोड़ी देर डिप कर दिया क्योंकि वो फ्रीज किया होता है तो उसके बाद थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है डिफ्रॉस्ट होने के लिए और नाश्ता करने के बाद तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपना हल्ला दुरुस्त कर लूँ मैंने कपड़े वगैरह चेंज अच्छे से धोया और बाल वगैरह कंगी की और स्किन केयर वगैरह अपनी कर ली थी मैंने सारी और क्या कहते हैं फिर सारा दिन तो टाइम नहीं मिलता और जावेर को मैंने साथ में सुला दिया था शाम तकरीबन चार बजे सोता है जवाब उसका नैप टाइम चार बजे होता है तो वो साढ़े पाँच चार छः बजे तक सोया रहता है उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी अपनी मेरी नाश्ते की चाय वहीं की वहीं पर ही हुई थी और साथ में मैंने अपनी लॉन्ड्री डाल दी और मौसम इतना प्यारा था सही धूप निकली हुई थी और साथ मैंने फिर खाना वगैरह चढ़ाने लगी मैंने कहा मटन उतनी देर हो जाएगा ये जो एट फिफ्टी ग्राम मटन था उसके अंदर मैंने टू मीडियम साइज़ प्याज़ लिए और सारे खड़े मसाले लेकर और अदरक लहसुन डाला मैंने उसके अंदर और नमक डालकर और मैं पानी डाल के इतना पानी डालना कि आपका जो मटन है वो अच्छे से अंदर डिप हो जाए वो मैंने रख देना चूल्हे के ऊपर और आपने कुछ नहीं डालना यखनी के लिए और मैं इसको थर्टी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट लगाऊंगी और एक पतीले में मैंने लिया है ऑयल और उसमें मैंने खरे मसाले डाल दिए मैं मसाला बनाने लगी हूँ और साथ में मैंने मीडियम प्याज़ दिया एक उसको मैंने ब्राउन कर लेना अच्छे से और मैंने ग्रीन चिली जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे रमज़ान के लिए वो मैंने यूज़ कर लिए हैं और अदरक लहसन भी वो दो क्यूब्स मैंने डाल लिया अच्छे से मैं उनको भून लूँगी और बाद में जो मैंने यखनी बनाई थी उसका मटन मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैंने एक टेबल स्पून काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं नमक ऐड कर दिया अब न हमने टेस्ट के हिसाब से दोनों चीज़ें ऐड कर लेनी है इसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी आपने दही ऐड कर लेना क्योंकि मैं दही ऐड करना बिल्कुल भूल गई थी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे भून लिया ये पक्का तो ऑलरेडी हुआ था लेकिन थोड़ी सी इसकी स्मेल ख़त्म करनी होती है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी क्योंकि बॉयल करने के बाद जैसे यखनी निकालो फिर भी इसमें थोड़ी सी ना अजीब सा वो टेस्ट होता है तो आपने इसको थोड़ी देर भूनना लाजमी और इसमें मैंने तीन कप यखनी डाल दी थी जितना आपने मैयर कर लेना जितने आपके चावल हैं हमने उस हिसाब से डालने हैं मैंने यखनी डाल कर थोड़ा सा मैं साथ में पानी ऐड करती हूँ वो बहुत ज़्यादा फिर चिपचिपे बो हो जाते हैं नहीं तो और मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी अपने और बस इसको एक एक बार हलाएँगे ज़्यादा चावल नहीं हिलाने वरना टूट जाते हैं और यहाँ जावे सर शेल्फ पर बैठ जाएँ सही और हर चीज़ की तबाहियाँ मच जाती हैं और यहाँ मैंने इसको टेन मिनट्स के लिए दम देना है और मैं दम दे के इसको छोड़ दूँगी और यहाँ मैंने दावर के लिए फ़्राइज़ वग़ैरह बना ली थी एयर फ्रायर में मैं देसी घी में उसकी फ्राइज़ बनाती हूँ बना तो लेती हूँ लेकिन उसको खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है आगे आके भागता है वो मेरे और बिल्कुल नहीं खाता बहुत मुश्किल काम है दावर को खिलाना और जावर का मैंने खाना वगैरह खिलाया उसकी फ्राइज़ खिलाई यहाँ पे दो तीन देर टेन मिनट्स मेरे हो गए थे यहाँ मैंने दम खोला इतने माशाल्लाह अच्छे चावल खिले हुए चावल बनते हैं और यहाँ मैं जावर का खाना बना रही हूँ मैंने टू टेबल स्पून ऑट्स लिए और जो मैंने मटन की एक बोटी लिया मैंने यखनी में से अलग कर ली थी और उसमें मैंने थोड़ी देर उसको पकाया और अंदर फिर मैंने दूध ऐड कर दिया एंड मैं इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड कर दूँ ये इतने मज़े के ऑट्स बनते हैं बच्चों के लिए इसमें आप चिकन ऐड कर लें फिश ऐड कर लें हमने जो ऐड करना है आप लोग कर सकते हैं कीमा ऐड कर लें बीफ़ ऐड कर लें इस तरह मैं ज़ावर को देती रहती हूँ वीक में एक बार या दो बार लाजमी यहाँ मैंने अपने लिए शाम कबाब भी फ्राई कर लिए थे चावलों के साथ क्योंकि मस्त है अगर मटन पुलाव बनाओ या बीफ बना हो तो मैं तो साथ में जरूर बनाती हूँ यहाँ पे जावे का थोड़ा सा स्क्रीन टाइम होता है उसको मैं दे देती हूँ दिन में थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ बैठ जाती हूँ कि मैं इतना थक जाती हूँ खाना वगैरह बनाकर क्योंकि और तो कोई काम नहीं होता लेकिन मैं खाना बना के ही थक जाती हूँ इतनी मैं लेज़ी हो गई हूँ और क्या कहते हैं यहाँ पे मैं अलमारी साइड करी थी जावेर की पहले मेरा प्लान था कि मैं जावेर के बर्थडे के लिए गुजरात बैग्स वगैरह जो डेकोर मैंने बनाना है वो सारा बना लूँ और मैंने सोचा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूँ पहले और यहाँ जावे की फर्स्ट बर्थडे के कार्ड्स थे और ये जावे की मैंने रेजन ट्रे बनाई थी इसके अंदर मैंने जावे के बाल जो फर्स्ट बाल होते हैं वो और इसकी नाफ वगैरह मैंने सेव की थी इसके अंदर और यहाँ मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो कब पैदा हुआ था किस टाइम पैदा हुआ था सारा मैंने इस तरह इसके ऊपर लगा के स्टीकर जो मैंने इसको खुद बनाया था रेजन आर्ट से और मैं पहले वो कटती रही हूँ रेज़न तो वो मैंने उससे खुद सारा कुछ इसका बनाया फर्स्ट पे मैंने मैंने काफ़ी डेकोरेशन रेजन से इसकी इसकी बनाई थी और यहां पे बस अलमारी अलमारी वगैरह सेट कर रही थी सारे कपड़े मैंने पहले बाहर निकाले हैं और सारी अलमारी साफ़ की है और फिर क्या कहते हैं फिर मैंने उनको अंदर दोबारा साफ करके रखा है चीज़ों को बास्कट्स वगैरह तो सारी उसकी खराब हुई हुई थी और ये मैंने बास्किट्स रखी हुई हैं जावर की चीज़ों के लिए ये मैंने मिनी सो से ली थी और ये मैंने रखी हुई है बिब्स और कैप्स रखी हुई थी और एक के अंदर मैंने रोमाली वगैरह रखे हुए हैं इस तरह चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं जब मुझे कुछ चाहिए होता है मैं इजीली निकाल लेती हूँ और इस तरह मैंने ज़्यादा की सारी चीज़ें वगैरह सेट कर ली इसकी मैं थोड़ी देरों तक अलमारी सेट करती रहती हूँ क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है एक तो काम वाली है ना जब वो कपड़े हैंग करती है वो उल्टे सीधे रख देती है जो मर्ज़ी करती है उसको कुछ पता नहीं चलता और एक एम में मैंने इस तरह से ज़्यादा की ये शीट्स रखी हुई हैं जब मैं उसको मालिश करती हूँ या जब गर्मियों में मैं उसको पैम्पर नहीं लगाती हूँ तो तब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ अगर वो पी कर दे और इस साल मेरा इन प्लान है कि मैं उसको पोटी ट्रेन कर दूँगी और इस तरह मैंने ये भी सेट करके रख ली थी और ये मैंने के शूज यहाँ सेट करने थे सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी और जावे के माशाल्लाह जो जूते इतने प्यारे प्यारे जो जब छोटा सा था तब वाले भी पड़े हैं मेरा दिल नहीं करता मैं उसकी चीज़ें किसी को भी दूँ मैंने उसकी हर चीज़ संभाल के रखी हुई है इतने उसके कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए हैं और सब कहते हैं कि उसकी चीज़ें किसी को नहीं देना ये वो इस तरह मैंने उसके सारे जूते वगैरह छोटे छोटे से सारी चीज़ें मैंने उसकी संभाल के रखी हुई हैं और ज़्यादा को जो जूते इतने पसंद हैं बस उसको मिल जाए और मुझे कह रहा था कि मुझे ये छोटे शूज़ पहनाओ और उसको बिल्कुल पूरे नहीं आ रहे थे और वो रोने लग गया था और इस तरह से मैंने इसके सारे जूते वगैरह सेट करके और कुछ मैं बेड के नीचे रख देती हूँ तो क्योंकि उसके नीचे मेरी स्पेस है तो मैं उस भी रख लेती हूँ ज़्यादा जूते पूरे नहीं आते इतने जूते कहाँ रखे बंगाल मारियों में और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने निकाले थे जावर को पूरे नहीं आने थे भी रखने के लिए और ये जो जावेर का कोट है ना इसके अंदर भी दो कैबिनेट हैं तो मैं इस पर भी जावे के कपड़े वगैरह रख लेती हूँ जो रात को पहनने के लिए नाइट सूट्स होते हैं और इनर होते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर रखे होते हैं जावे के टावल्स वगैरह और कुछ कंबल वगैरह मैंने इसके अंदर रखे होते हैं क्योंकि यहीं पे सौते जावे तो जो मुझे चाहिए होते हैं मैं फ़ौरन निकाल कर उसको पहना लेती हूँ कपड़े वगैरह और जावे के बस मैंने यहाँ पे जावेर का बेड वगैरह सेट किया उसको फिलने के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और यहाँ पे मैंने रखी हुई है ज़ावे के लिए बास्केट सी ये मैंने अपने साइड टेबल पे रखी होती है इतनी कन्वीनियंट है बंदा इसमें हर चीज़ रख सकता है जो मुझे ज़ावर के लिए चाहिए होती हैं मैंने सारा कुछ इसके अंदर रखा होता है इसकी तीन पॉकेट्स बनी हुई हैं साइड में साइड में भी काफ़ी पॉकेट्स हैं इसकी ना चारों तरफ तो ये मैंने पैम्पर्स और वाइप्स एक में एक में मैंने इसके लोशन और क्रीम्स वगैरह सारी और सीजर्स इसकी जो नील कटर और हर चीज़ मैंने रखी थी जो मेडिसिन मुझे यूज़ करनी होती है इसके लिए और यहाँ पर जावे को मैंने सुलाया और वो सो गया था फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर मैं भी बेड के लिए रेडी हो गई और आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो डोंट फॉर गेट रूप्रेस द बेल आइकन कमेंट एंड शेयर और मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफ़